आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? एक दिन हम बात कर रहे थे कि आप नेचर से जब बात करें तो आगे से जवाब देती है। तो हमारे एक अच्छे से दोस्त हैं, बैंकर हैं, लाहौर में होते हैं, हमारे शो को फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया कि जी नेचर आपसे कैसे बातें करती है, और जरा मैं ना मजाक में उन्होंने कहा कि ये मैंने पहली दफ़ा सुना कि नेचर आपसे जवाब दे, आपसे गुफ्तगू करे। मैंने भी हंस के बात टाल दी, लेकिन आज सुबह वाकई नेचर ने मेरी एक बात का जवाब दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ, आप सबके साथ वो बात शेयर कीजिए। आपको याद होगा आज से तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले जब सर्दी ने पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में अपने डेरे बाकायदा डाले, तो मैं याद कर रहा था रावलपिंडी की उन सर्दियों को जब मैं बच्चा हुआ करता था और चौथी पांचवी छठी के अंदर हम सुबह सुबह एक स्वेटर के ऊपर एक कोट, फिर टोपी, फिर स्कार्फ, दस्ताने, इस कदर पूरे इंतजामात करके आजकल के बच्चे भी इसी तरह जाते हैं। लेकिन हम याद कर रहे थे कि उस जमाने में सर्दी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन आज से 20, 25, 30 बरस पहले पूरे मुल्क में ही जहाँ जहाँ जो भी टेम्परेचर्स थे, अब वो जनरली क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स ज़्यादा हो चुके हैं। और मैं याद कर रहा था कि हम सुबह निकलते थे और कैसे एक कोहरे की, एक बर्फ की हल्की सी तह जमी होती थी शीशों पे, गाड़ियों के शीशों। ये बात हमने की और मैंने कहा कि बस नेचर हमसे उदास हो गई है और अब ये खूबसूरत मोमेंट्स अब हमें देखने को नहीं मिलती। सोचिए तो आज सुबह क्या हो, आज सुबह ये हुआ कि जब मैं निकला हूँ और मैं नीचे उतरा, अपने सीढ़ियाँ उतर के बाहर आया पोर्च में, और गाड़ी का जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरी पूरी गाड़ी जिसका रंग सफ़ेद नहीं है, उसका रंग सफ़ेद हो चुका था। रातों रात किसी ने आके पेंट कर दिया, और वो पेंट किया था नेचर ने। जिस बर्फ को, जिस कोहरे की तह को मैं याद कर रहा था, वो बाकायदा ना सिर्फ मेरी गाड़ी के शीशों पे, मेरी गाड़ी पे, बल्कि इर्द गिर्द हर जानब लॉन में, दरख्तों पे, पौधों पे एक सफ़ेद रंग का स्प्रे हुआ हुआ था। बहुत लुत्फ आया, मैंने उसकी छोटी सी वीडियो भी बनाई जो कि आप आज मेरे कुछ देर में फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। और मुझे ख्याल आया कि शायद नेचर ने, कुदरत ने, फितरत ने मेरी उस बात को सुना और उसका जवाब दिया है। तो हमारे वो साथी जो कह रहे थे कि नेचर कैसे आपको जवाब देती है, या कुदरत, या पौधे और हवा, फ़जा, दरख्त, सूरज, ये इंसान की बात का जवाब कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं कि उन्होंने बात सुनने का कि नहीं, हम अभी तुम्हें भूले नहीं, और लो वही पुरानी रावलपिंडी की सर्दियाँ इन्जॉय करो। जनाब सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, गैस कम है, बिजली कम है, ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन भी कम कम लोगों को इन्जॉय करने को मिलता है। इसको इन्जॉय कीजिए, बच्चों को सर्दी से महफूज रखिए, और कोशिश कीजिए कि उनकी जो एनर्जी है उसको भी आपने, ये नहीं कि आप हर वक्त घर में बैठे रहो, रज़ाई में घुसे रहो, बाहर सर्दी है, बाहर सर्दी है, उनका बाहर जाने का जी करता है, मन करता है, उसको भी साथ लेके चलना है, लेकिन दे शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, उन्होंने जुराबें प्रॉपर पहनी हो, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है सुबह स्कूल जाते हुए तो दस्ताने उन्हें लेकर दीजिए ताकि उनको ठंड ना लग जाए। इसलिए कि नेचर ने जवाब दे दिया है और फुल टाइम ठंड पड़ चुकी है। आज ऐसा में मेरे साथ मौजूद है मेरे क्लास फेलो, आपको पता है हमारे फेवरेट सेगमेंट्स तैयार करके लाते हैं ऐसे में, और आज ऐसे में कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसी कि मैं बात कर रहा हूं, और ये हमें पुराने इस्लामाबाद की कुछ कहानी सुनाएंगे कि इस्लामाबाद कब बना, कब वजूद में आया, उसके कितने हिस्से हैं, उसके बारे में कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा की इन्फॉर्मेशन देंगे, अब्दुल्ला भाई हमारे साथ होंगे, और अब्दुल्ला आपको पता है कि इंटीरियर्स के हवाले से, घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लीडिंग यंग आर्किटेक्ट हैं पाकिस्तान के, और आज मेरा ख्याल है कि घर बनाने ही के हवाले से कुछ नई टिप्स वो हमारे लिए लेकर आएंगे। एंड ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं कल से कि आज हमारी मेहमान है वनीज़ा अहमद, पाकिस्तान की टॉप मॉडल और इवेंट प्लानर और फैशन प्लानर। वनीज़ा अहमद से हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के फैशन इंडस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान के फैशन इंडस्ट्री और फोटोग्राफी और मेकअप और वार्डरोब्स और डिज़ाइन और ग्लैमर, ग्लैम इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, उसका फ्यूचर क्या है। सो वनीज़ा हम सब की प्यारी सी, अच्छी अच्छी सी, मीठी मीठी सी, पॉजिटिव सी बातें करने वाली वनीज़ा हमारे साथ होंगी। सो ये है आज आपके लिए हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर वेरी ओन योर फेवरेट ट्रेनर काशिफ विद अस। काशिफ आज तुम बहुत कुछ, तुम्हारी जेबें भी भरी हैं, भरी हुई हैं, है ना? वो ये तो कुछ पानी की बॉटल, पानी की बॉटल, और हाथ में क्या है? ये है अलसी,
फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं हम लोग, अलसी के बीज जिसका अक्सर साथियों जिक्र करती हैं डॉक्टर नौशीन, और वो बताती हैं कि जी अलसी के बीज से ये फायदा है, अलसी के बीज से वो फायदा है। तो आज हम अलसी के बीज ले आए जी। अलसी के बीज बेसिकली आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, आप वजन कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में हैं, कोई भी है, आपकी न्यूट्रिशन का हिस्सा होना चाहिए। आप अगर नॉर्मल हैं, एक्टिव नहीं है, एक्टिव से मुराद ये है कि आप कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, आप वर्जिश नहीं करते हैं, आपकी यू हैव टू हैव अलसी इन योर डाइट। कैसे हैं जी ये देखने में, कैसे लगते हैं देखने में, कैसे लगते हैं ये? बहुत ज़बरदस्त है, जितने देखने में अच्छे लगते हैं उतना अपनी खुराक में अगर हों ओके तो अच्छे लगते हैं। इसको ब्रेकफास्ट में आप शेक में यूज़ कर सकते हैं, हमने नाश्ते में, मतलब इसको एज सच पकाने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज खाना है, ऑर्गेनिक। हाँ जी, रॉ फॉर्म में इसको आप ब्रेड, डबल रोटी जो लोग खाते हैं उसमें पीनट बटर लगा के, जैम लगा, कुछ भी अगर आप पसंद करते हैं इसमें, हम हेल्दी अनहेल्दी एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको ऐड करना जरूरी है। इसमें आयरन है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा है, सोर्स ऑफ हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, ओमेगा थ्री बहुत ज़्यादा है इसमें आपके ब्रेन के लिए, और इसके अलावा मिनरल्स हैं, विटामिन बीज हैं बहुत ज़्यादा। ओके, इसका आपकी डाइट में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। शेक्स में यूज़ करें इसको, आप अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड के अंदर डालें, किसी भी तरीके से आप अपने सालन के ऊपर डाल के, सलाद के ऊपर टॉपिंग करके ज़रूर खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी सोर्स ऑफ फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो कि आपका हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है। फैट भी एक न्यूट्रेंट है, लोग कहते हैं चर्बी चर्बी चर्बी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स, प्रोटीन के दरमियान में क्या है, फैट। फैट क्या है, हेल्दी फैट, उसकी भी आपको जरूरत है, कोई भी आपका फिटनेस गोल है। हैविंग सेड दैट, आज का जो हमारा वर्कआउट है, बुरी नहीं होती, हेल्दी फैट, हेल्दी फैट आपको चाहिए कंप्लीट मैक्रो। मिसाल के तौर पे अलसी के बीज में हेल्दी फैट मिलती है? नहीं मिलती है, मिलती है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और सैचुरेटेड फैट जो कि अंडे में पाई जाती है, अंडे की जर्दी में, वो भी आपको चाहिए होती है, बिल्कुल आपने उसको छोड़ना नहीं है, जो छोड़नी है वो ट्रांस फैट छोड़नी है, वो अनहेल्दी। और जैसे कि आप अक्सर कहते हैं, रवि भी कह रहे थे कि डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, गोल क्या है। आपके फिटनेस गोल्स ऐसे हैं कि उसके अंदर आपको अंडे की जर्दी नहीं, आपका न्यूट्रिशनिस्ट या आपका ट्रेनर रिकमेंड करता है, तो फिर आपको नहीं लेनी। वो क्यों होता है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो बेसिकली ये बैड कोलेस्ट्रॉल को किल करती है और आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। आज का वर्कआउट शुरू करते हैं, वार्म अप कर लीजिएगा लाजमी, और 5 से 10 मिनट, क्योंकि हमेशा से कहते आए हैं मैं और तहमीना, मौसम ठंडा है, इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमने आपको ट्रेन करना है ना कि इंजर्ड करना है। पहले एक्सरसाइज हम कर्टसी लंजेस से शुरू करेंगे, लाइट वेट और हैवी वेट, चॉइस इज योर्स। आप हैवी भी यूज कर सकते हैं और लाइट भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन में आएंगे और स्विच करेंगे बिल्कुल ऑपोजिट, कर्टसी लंजेस, कर्टसी लंजेस। ये आपका वेट ज्यादा है बॉडी का भी, और आपने जो वेट पकड़ होल्ड किया हुआ है वो भी, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। उसके साथ हम कर रहे हैं डेडलिफ्ट्स कंबाइन कर रहे हैं, कर्टसी लेफ्ट, कर्टसी राइट एंड और डेडलिफ्ट, फिर कर्टसी लेफ्ट, कर्टसी राइट और डेडलिफ्ट। अब आपने ये करना कितनी मरतबा, एक मिनट हर एक्सरसाइज आपने करनी है विदाउट एनी रेस्ट, एक मिनट वर्कआउट करने के बाद आपने 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। 3 एक्सरसाइज का ये पूरा बुके है, ये पूरा सर्किट होगा, 3 चक्कर आपने मुकम्मल करने हैं, उसके बाद एक और सर्किट होगा, टोटल 6 एक्सरसाइज हो जाएंगी, आखिर में एक फिनिशर होगा, टोटल 7 एक्सरसाइज हो जाएंगी। ये आपने डन की, 1 मिनट 30 सेकेंड रेस्ट, उसके बाद आपने डंबल्स इस पोजीशन में रखने हैं, और आप चाहे तो डंबल्स ना भी यूज़ करें, लेकिन मैं यूज़ करूँगा पुशअप एंड डंबल रखा, पुशअप टू रोटेशन। अब आप स्विच कीजिए, पुशअप टू, पूरा स्विच करना आपने, मेरे टोज देखे रोटेट हो रहे हैं, बायोमैकेनिकल फोर्स मेरे इस राइट टो से निकल रही है, ताकि मेरे नी पे ज़्यादा टेंशन ना हो। पुशअप टू रोटेट, ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज थी, लेट्स मूव ऑन। मॉडर्न एक्सरसाइज की साथियों टेक्निक से उस हवाले से एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आज का सारा वर्कआउट, कि एक वुमन तासर होता है कि एक वक्त में आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको काशिप ने दिखाया, पुशअप आपने जमीन से की, फिर आपने डंबल का हिस्सा लिया और आपने कंप्लीट बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी पोजीशन में ले गए। सो मल्टीपल एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशंस जो है वो आजकल बहुत टेक्निक इन है इंटरनेशनली, और वही टेक्निक्स आपको काशिप सिखाते भी। और आज ये थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, इसमें सिंगल लेग वी अप्स, 1 मिनट तक हर
एक्सरसाइज को हर फॉर्म को आपने परफॉर्म करना है। अब ये राइट लेग है, अब क्या करना है, 30 सेकंड को इसको परफॉर्म किया, साथ ही स्विच की 30 सेकंड्स इसको, तो हमने हर वर्जिश की हरकत को एक मिनट तक करना है। मेक श्योर आप एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, एक मिनट की जल्दी में आप फटाफट बस यूं ना करें, मेक श्योर आप एक्सरसाइज को फील करें नाइस एंड मसल कनेक्शन फॉर्म में, और सीलिंग की तरफ देखिएगा इस एक्सरसाइज में। थ्री एक्सरसाइजेस डन, हर एक्सरसाइज के दरमियान 30 सेकंड्स का रेस्ट। पहला सर्किट मुकम्मल हुआ, 3 सर्किट मुकम्मल करने हैं, ये आपके बन जाएंगे 13.5 मिनट। सेकंड चक्कर मुकम्मल करते हैं, मूव ऑन टू फोर्थ एक्सरसाइज। और अब हमें जरा जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि अब हमने ब्रेक पे भी जाना है। बिल्कुल वक्त कम है, शुरू करते हैं। डंबल यूं होल्ड किया आपने एंड सिंपल, जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपकी हार्ट बीट रेट और बढ़ेगी, मुश्किल भी होता जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड मसल कनेक्शन और आपकी फॉर्म की बात है। एक मिनट तक ये किया आपने, अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हाय हाय, आज तो ट्रेनर काशिफ ने भी कम वजन उठा लिया, ये क्या हो गया? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। अब आपने स्विच करना है आर्म को, पंचेस बेसिकली लॉक, एंटायर बॉडी लॉक है, देखें टेंशन है लोअर बॉडी पे एंड दोनों आर्म्स भी यूज कर सकते हैं बेसिकली। और ये एक्सरसाइज शोल्डर्स के लिए भी वेरी फेवरेट एक्सरसाइज के लिए नहीं है, किसको मैं इतना आसान समझता था, लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया बहुत मुश्किल है और मैं तो भाग गया था इससे। लास्ट सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, इस पोजीशन में आएंगे आप एंड कॉन्ट्रैक्शन करना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट ऑल द वे अप, स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन रिलीज। नाजुक कलैया का ख्याल रखना है, चांसेस बहुत होते हैं इस एक्सरसाइज में। स्विच किया, आखिरी एक्सरसाइज है हमारी, उसके बाद हमारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। पूरा ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, जैसे आप अपनी दुकान का शटर खोल रहे हैं, वो वाली पोजीशन। एंड डन, ग्रेट। ट्रेनर काशिफ थैंक यू वेरी मच, आज बहुत जबरदस्त बुके था, 7 एक्सरसाइजेस का, 30 सेकंड का ब्रेक आपने लेना है और हर एक्सरसाइज एक एक मिनट के लिए करनी है, तो यानी आप देखिए कि 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपका बहुत ही एग्रेसिव किस्म का वर्कआउट, टोटल 28 मिनट का वर्कआउट है, 28 मिनट का वर्कआउट है। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूर ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे क्लास फेलो ऐसे में हमारे साथ बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आज हमें कुछ इस्लामाबाद की कहानी सुनाने वाले हैं, रही मेरे साथ अभी बैठे हैं। आपके फैंस से, लेकिन हमें इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कैसे में, जैसे जो हमारे ब्रिलियंट सेगमेंट होस्ट हैं इनके इम्तिहान भी देते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ भी हो रही होती है, तो सिर्फ हम नहीं चाहते कि टीवी पे आके अपनी पढ़ाइयों के जी बिल्कुल। अच्छा जी, आज क्या है? आज मैं आपको अपनी बर्थ प्लेस के बारे में बताऊंगा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ओके। ठीक है, व्हेन डिड इस्लामाबाद स्टार्टेड बिल्डिंग? इस्लामाबाद स्टार्टेड बिल्डिंग इन 1960। 1960 में इस्लामाबाद बनना, कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ। पहले पाकिस्तान का जो मेन सिटी थी ना, वो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी इस्लामाबाद नहीं थी। कौन सा था? कराची। कराची। उसके बाद 1963 में इस्लामाबाद बन कैपिटल सिटी बन गया पाकिस्तान का। उसके बाद, और हम साथ साथ आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे पुराने इस्लामाबाद की। जी बिल्कुल। वेयर इज इस्लामाबाद सिचुएटेड? इस्लामाबाद इज सिचुएटेड ऑन द पोटोहार प्लेटू। ठीक है, कि इस्लामाबाद शहरी आबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद आबाद पोटोहार प्लेटू के ऊपर आबाद हुआ है। इस्लामाबाद आबाद हुआ है, उसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी आर जॉइंट टुगेदर, इसलिए काफी लोग उसको ट्विन सिटीज कहते हैं, जुड़वा शहर। उसके बाद इस्लामाबाद
पहले काफ़ी पहले इस्लाम जिस जो जगह हम अब इस्लामाबाद कहते हैं उस जगह में पहले काफ़ी हिस्टोरिक लोग आए थे, जैसे कि एरियंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड एंशिएंट कैरावेंस, और उसके बाद लोड्स ऑफ आर्मीज, एग्जांपल्स ऑफ आर्मीज अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी। और देखिए आप साथ साथ जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट अयूब उस मीटिंग में है जब इस्लामाबाद के बारे में डिसीजंस हो रहे थे, और अभी कुछ आपने तस्वीरें देखी ओल्ड इस्लामाबाद बनने से पहले। ओ ये तो देखिए देखिए सी जगह लग रही मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, देखो जी ऐसा होता था। ओए होए हो, ये डी चौक से ली हुई तस्वीर है। और फिर पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है, बीटल सामने से जा रही है, नाइस। और ये वो अपारा, ओ अपारा मार्केट बन रही है। 1963 में अपारा कैसा होता था, किधर है समोसे वाला? कितना मासूम सा प्यारा सा मुख्तसर सा होता था, अब तो माशाल्लाह सीढ़ी का ऑफिस जाए तो एक कोने से दूसरे कोने तक आप पैदल जा भी नहीं सकते। और फायर ब्रिगेड का ऑफिस, फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग, ओके। और फिर जीपीओ, मेलोडी वाला जीपीओ, जहाँ पे अब इस जीपीओ के बिल्कुल पीछे फूड स्ट्रीट बन गई है, पाए और छोले यहाँ बहुत मजे के मिलते हैं नान के साथ। और ये अच्छा। पिशावा, नहीं पिशावा, शकरपड़िया का विलेज, रावल डैम बनना शुरू हुआ, बिल्कुल खुशी था यार। ऐसे में तुम कहाँ से ढूंढ के लाए? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस। और पे ये प्लेसेस आते हैं शीप के टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इस्लामाबाद, दामने को और पीर सोहावा है जी, और इसके बाद लोक वर्सा म्यूजियम, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, ये तो आज के दौर की तस्वीरें हैं जी, और लेकव्यू पार्क, फैसल मस्जिद, बिल्कुल। और हमने जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाई थी ना वो ओल्ड वाली, उनके अंदर एक और पिक्चर होगी फैसल मस्जिद की जब बननी शुरू हुई है। हां वो उस वक्त स्क्रीन पे बिल्कुल साथ साथ चल रही थी जी। अच्छा जी, जापानीज पार्क, शकरपड़िया, अभी आपने गोलरा का रेलवे स्टेशन देखा, वेरी नाइस। वापस हम आ गए, ये आज के इस्लामाबाद, अच्छा जी, और कोई इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है, मरगला हिल्स का, मरगला इसमें आपको पता है नेशनल पार्क है जी, उस नेशनल पार्क में उनके पास एनिमल्स हैं जैसे कि वाइल्ड बोर्स, फॉक्सेस, जैकल्स, लेपर्ड्स। और ये लेपर्ड कभी कभी जब बहुत ज्यादा सर्दियाँ होती है आजकल के मौसम में, वो फिर कई दफा कोई लेपर्ड उतर के शहर के अंदर भी आ जाता है। मुझे याद है हम छोटे से थे और रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट के एरिया तक एक लेपर्ड आ गया था, और एक दिन घर में सुबह घर वाले सो के उठे तो एक लेपर्ड बैठा हुआ था। फ्रेट हो गई नहीं, मैं होता तो फौरन उसके साथ दोस्ती कर लेता। अच्छा जी, और ठीक है, इस्लामाबाद वाज अ मास्टर प्लान बेस्ड ऑन द ग्रीक फर्म। अच्छा ठीक है, इस्लामाबाद इज डिवाइडेड इनटू 8 जोन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमैटिक, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रूरल एंड ग्रीन एरियाज। तो इस्लामाबाद आज भी डिवाइडेड इनटू दिस 8 हिस्सों में, 8 हिस्सों में डिवाइडेड है इस्लामाबाद। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद इज 457 टू 610 मीटर्स अबव सी लेवल। अच्छा, ओके That's all for today. और ये बहुत मज़े की सीरीज शुरू की है SMA ने, कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले, और ये सिर्फ SMA का ये बेसिकली आइडिया नहीं है, हमें कॉपीराइट्स देने चाहिए। हनानता ने किया था जी बहावलपुर पे, किसने ऊंचा बोल दें, गौहर ने नहीं किया था, हनानता ने किया था, गौहर ने नहीं किया था। भाई अब देखे ना, हमारे क्रू में भी मुख्तलिफ फैंस हैं, कोई गौहर पार्टी है, कोई हनानता पार्टी है, कोई SMA पार्टी है ना। एक और भी फैक्ट मैं आपको बताइए, इस्लामाबाद इज द ओनली प्लान्ड सिटी दैट हैज बीन मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल, ओनली प्लान्ड सिटी जो कि बिल्कुल
बयाबान था, एक तरह से समझे फॉरेस्ट था, जंगल था, और उसमें से एक शहर को उगाया गया, बनाया गया। तो बहावलपुर की हमने जनाब कुछ अर्सा पहले आपको सैर करवाई थी हनानता ने, आज एसएमएन ने इस्लामाबाद के बारे में हमें कुछ फैक्ट्स बताए हैं। इसी तरह आप भी हमें फैक्ट्स, जिस इलाके में, जिस शहर में आप रहते हैं, आप इस वक्त बिहाड़ी में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, चकवाल में देख रहे हैं, सिब्बी में देख रहे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, आप अपने इलाके, अपने गोठ गांव, अपने शहर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसकी पुरानी तस्वीरें और नई तस्वीरों के साथ हमें भेजिए। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज है, उसमें इनबॉक्स करें, अपना नाम ज़रूर लिखना है, अपने उस शहर का नाम लिखना है जिसकी कुछ कोशिश करके पुरानी तस्वीरें और अब की तस्वीरें, और अगर आपको इंटरनेट पे अपने शहर की तस्वीरें नहीं मिलती, बहुत अच्छा चांस है, खुद निकलिए, कैमरा उठाइए, अपने शहर की प्यारी प्यारी तस्वीरें खींचिए और हमें भेजिए, और हम अपने शो में आपको बताएंगे कि देखें जी ये नौशहरा से हमें ये तस्वीरें आई हैं, और ये आज हम आपको नौशहरा की सैर करा रहे हैं, या हम आपको सरगोधा की सैर करा रहे हैं। तो जिस भी शहर से आपका ताल्लुक है, वी इनकरेज यू बच्चों कि खुद खींचे तस्वीरें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इंटरनेट से ढूंढ के हमें अपने शहर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स के, जैसा हमें ऐसा मैंने बताया कि कब आपका शहर बना, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्टोरिकल कोई वैल्यू है, कोई वहाँ पे जो आपके डिफरेंट टूरिस्टिक साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में, आपके शहर से कौन से ऐसे बड़े बड़े पाकिस्तानी निकले जिन्होंने दुनिया में नाम बनाया किसी भी फील्ड के अंदर, उनके हमें नाम लिखकर भेजिए जिनका ताल्लुक आपके शहर से हो। सो ये आपकी बच्चों असाइनमेंट है। ऐसे में थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चल के एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बच्चों आपको एक और असाइनमेंट दूंगा कि आज हम अरफा करीम रंधावा को ज़रूर याद करना चाहेंगे कि जिन हों ने बहुत ही कम उम्र में, 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल किया, और ये दुनिया का रिकॉर्ड था जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। शी वाज अ प्रोटेजी, एक लेजेंडरी किरदार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और बच्चों जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनकी तारीख जब जब भी जहाँ जहाँ भी लिखी जाएगी अरफा का नाम उसमें आएगा। 19 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। यही शो जब राइजिंग पाकिस्तान के नाम से होता था तो अरफा का मैंने एक यादगार इंटरव्यू किया था, जिस वक्त ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, अरफा बहुत छोटी सी उस वक्त 10 साल की उम्र में मुझे इंटरव्यू दे रही है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आज अरफा को याद करने का दिन है, और उनकी याद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो लाहौर में बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग है, आईटी टावर है, उसको अरफा करीम टावर का नाम भी दिया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको एक्नॉलेज किया है। और अरफा के जो पेरेंट्स हैं वो अरफा का विजन जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बच्चों में आईटी के हवाले से उसका विजन को आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं अरफा करीम फाउंडेशन के हवाले से। सो आज अरफा को गूगल करें, उसके बारे में जानें, और दुनिया को बताएँ कि एक ऐसा पाकिस्तानी जो इस वक्त हम में अब नहीं है, अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन उनका विजन आज हर बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा शेयर करता है। हमने सोचा आज के दिन अरफा को भी ट्रिब्यूट दें। चल के लेंगे एक जनाब ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ होंगे, उनसे जानते हैं कि घर बनाने की क्या टिप्स हैं और क्या टेक्निक है। वही मेरे साथ ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से। आज अब्दुल्ला बहुत ही एग्रेसिव मोड के अंदर है, और अब्दुल्ला आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं कि अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स को काबू कैसे करना है। जी, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल, सारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात तैयार हो जाए कि आपके बारे में कुछ टिप्स दिए जाने वाली हैं। अभी मुझे पता है इसके बाद ना आप बहुत एहतजाज भी आएगा। नहीं, ये अब्दुल्ला साहब ने गलत चीज बताई है, ऐसे नहीं होता, हम लोग तो ऐसा नहीं करते। जी, लेकिन स्टिल तौसीक, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका एक बड़ा क्रूशल किस्म का रोल होता है। वो एक सरबरा की हैसियत रखते हैं जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे, क्योंकि चाहे वो शटरिंग वाला हो, चाहे वो सरिये वाला हो, चाहे वो प्लास्टर हो, जो भी चीज़ हो, वो होते हैं जो हर बंदे को इंगेज कर रहे होते हैं कि किस वक्त किसकी ज़रूरत है। तो और जो बहुत सारे पैसे होते हैं वो भी उन्हीं को मिल रहे होते हैं। तो अगर आपके इसको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है तो आपने अच्छा A1 काम करना है। इसके दूसरे अल्फाज में ये देखा जाए कि अगर आपके पास, आपको पैसे की अथॉरिटी भी मिल रही है जी,
और आपको अथॉरिटी भी मिल रही है. सो मनी एंड पावर टुगेदर इज अ वेरी वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन माय फ्रेंड. ऐसा ही तो इस वजह से जो है ना उसका एक बड़ा क्रूशल किस्म का रोल होता है. तो मैंने कहा कि उस हवाले से जरा बताते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स का ख्याल रखें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके काबू में रहे. जरा तो जो सबसे पहले जो है ना वो तो हमने उसके ऊपर करनी है थोड़ी सी रिसर्च कि जो उसने घर बनाया हुआ है कोई और चीज बनाई हुई हो तो आप उससे कहें कि वो जाके जरा मुझे दिखाए कि वो कहाँ पे बनाया हुआ है, किस तरह का बनाया हुआ है. फिर ये कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसे जरा पूछा जाए कि ये मतलब जो आपने चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक बनी हुई भी है कि नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है. बिकॉज जो यूज़र है वही सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकता है. ठीक है, जब ये सारा काम हो गया तो फिर आपने थोड़ा सा देखना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो ड्राइंग्स हैं उनको पढ़ भी सकता है कि नहीं पढ़ सकता. तो हम जो आर्किटेक्ट को है वो बहुत सारी फीस दें, आर्किटेक्ट बहुत सारी मेहनत करके ड्राइंग्स बनाए, बट जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं पढ़ सकता और उसको फॉलो ही ना कर फॉलो ही ना कर सके. और वो पढ़ने के लिए कोई पीएचडी की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए, वो बिल्कुल एक सिंपल सी बेसिक सी ड्राइंग होती है जिसमें आपको सिर्फ हिंसों का कि वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिजिट्स को लिखते हैं, क्या करते हैं. सो एक चीज़ ये हो गई. दूसरा ये कि वो किसी भी किस्म की लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना हो, उसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो, कोई इस तरह के कोई मसले मसाइल ना हो. बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं? तौसीक, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर वो अगर इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसका जो फोकस है वो आपके प्रोजेक्ट पर नहीं रहेगा, वो अपनी पेशियां भुगता रहा होगा. नहीं तो फिर हम ये भी देखें कि कॉन्ट्रैक्टर के अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, वो लड़ता तो नहीं है, क्योंकि अगर बीवी से लड़ाई होती है तो प्रोजेक्ट पे तवज्जो नहीं दे सकेगा. इस तरह तो कुछ भी हो सकता है. हम वो पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रहे, हम बस उसको प्रोफेशनली तौर पर जज करने की कोशिश कर रहे हैं. जी ठीक है, तो ये करना है. और दूसरा ये कि उसके पास जो काम है वो बहुत ज्यादा ना हो. अगर वो 100 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या 10-20 प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज All these projects at the same time. और उसके अलावा हमने भी देखना है कि जो आप जिस प्रोजेक्ट के लिए उसको हायर कर रहे हैं उसका उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो. अगर कोई रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है तो उसने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हुए हों जो रेनोवेशन से रिलेटेड हैं. अगर घर का प्रोजेक्ट है तो उसने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हों जो घर से रिलेटेड हैं. तो वो जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है ये हो तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है. लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो पहली दफा काम करने चला है तो उसको कोई काम नहीं देगा? इसमें ये होता है यूजुअली कि जो सीनियर कॉन्ट्रैक्टर होता है उनके साथ एक अप्रेंटिस आप कह लें वो होता है, एक छोटा होता है जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता से गाइड करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिखाते रहते हैं. तो जिस तरह इवन आर्किटेक्ट्स करते हैं. जी, जी आपने भी छोटे की हैसियत से बहुत अरसा काम किया. जी जी और जो मेरे बॉस है वो मेरे वालिद साहब हैं तो मैंने काफी कुछ उनसे सीखा है. ओह फिर तो बहुत अच्छी तरह से सिखाया होगा. जी 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 बहुत अच्छे तरीके से. अच्छा अब थोड़ा सा ये देखें कि 2-3 टिप्स कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दे दें कि वो एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखें. जी तो सीख जो हम पहली बात करते हैं उसमें बस एक दो चीज़ें रह गई हैं, अगर मैं उसको फिनिश कर लूँ तो फिर इस तरफ आते हैं. दूसरा ये कि जो आप कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ उससे कोटेशन ले लें कि जो सारा का सारा काम है इसमें ये सारी चीज़ें होनी है तो इसके हवाले से आप कितने पैसे लेंगे. Okay. और फिर उसको आप थोड़ा सा जज कर लें, ना वो ओवर प्राइस्ड हो ना वो अंडर प्राइस्ड हो. ठीक है, अगर वो अंडर प्राइस्ड है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है. अगर वो ओवर प्राइस्ड है तब भी मतलब है कि वो कुछ फिर तो पूरी दाली काली है. पूरी दाली काली है तो कुछ थोड़ा सा एक बीच में होना चाहिए कि हाँ उसको थोड़ा सा फायदा हो, बट एट द सेम टाइम जो आपका क्लाइंट है या जिसका घर बन रहा है उसको एक अच्छी चीज भी मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिले. मुझे मुकेश कह रहे हैं कि वो एक पूरा इसको सेपरेट टॉपिक लेते हैं और इसको हम नेक्स्ट किसी वीक में करेंगे कि कौन अच्छा कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से अपना काम कर सकता है. तो कॉन्ट्रैक्टर्स आपके लिए भी अब्दुल्ला भाई जो हैं वो आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम में या उससे अगले प्रोग्राम में टिप्स लेके आएंगे कि आप अपने क्लाइंट को अच्छी प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं. तो इसके लिए I think I agree with Mukesh कि हम इसको एक separate topic के तौर पे. और जो architect है वो बहुत ज़्यादा एक crucial role play करते हैं, वो एक neutral body होता है. तो जो contractor है उसके साथ भी और जो client है उसके साथ भी, वो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं. तो एक agreement होना चाहिए between the contractor and client ताकि उसके accordingly सारी payments हो और उसके accordingly हम construction को लेके चलें. और मेरा ख्याल है periodical मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं. ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेने का मतलब ये नहीं है कि बस अब आप कहें कि हाँ जी अब तो मैं 9-10 महीने 11 महीने या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद बस मैं जाऊंगा या जाऊंगी और मेरा घर तैयार होगा. मेरा ख्याल है 7-7 महीने में 1-2 बार आपका साइट पे विजिट भी बहुत जरूरी है. जी जी, क्लाइंट का साइट पर जाना बहुत जरूरी है ताकि वो ओवरलुक कर सके, क्योंकि उसके सारे के सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और घर बनाना या जो भी चीज है इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत सारे पैसे लग रहे होते हैं. और डेफिनेटली आर्किटेक्ट की भी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही जरूरी है कि उसने जो सारी ड्रॉइंग्स बनाई है वो उस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही. बिल्कुल ठीक है, ओवरसी करना बहुत जरूरी है ताकि कोई चीज ओवरलुक ना हो जाए. अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वनीसा अहमद हमारे साथ मौजूद है. आज पाकिस्तान की ग्लैम इंडस्ट्री को जरा डाइसेक्ट करते हैं.
तो डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर वनीजा अहमद से कहेंगे कि ज़रा ऑपरेशन करें पाकिस्तान की ग्लैमर इंडस्ट्री का और हमें बताएं कि कहाँ मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हम पीटीवी होम के साथ साथ पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके के नाज़रीन को कहेंगे खुश आमदीद। और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी हस्ती, मुस्कुराती है, बहुत ही पॉजिटिव अच्छा ऑरा रखे हुए वनीजा है। ये मेरे मियाँ को जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्यों मियाँ को यकीन नहीं है? नहीं है। क्या कहते हैं? उनको बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ। क्या मतलब सबसे बड़ा क्रिटिक क्या है? घर घर की कहानी, हर घर की एक ही कहानी यही होती है। तो इसका हल कोई ढूंढा, इस कहानी के हल का? आई थिंक भी है, अभी तक तो नहीं ढूंढा। आई थिंक ये एक जब से इंसान है तब से ये इशू है कि पार्टनर दूसरे बंदे को वो नहीं समझता जो खुद अपने आप को इंसान समझता है, है ना? बट यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड टू ब्यूटीफुल डॉटर्स। तो ये जो बच्चों, वनीजा को जब हमने बुलवाया तो मैंने कहा सुबह उठने में तो कोई मसला नहीं था, कहती है मसला हो भी तो बेटियां उठा देती। कैसा मदरहुड को कैसा एंजॉय कर रही हूँ? बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, बल्कि मैंने इसलिए चूंकि मेरी लेट शादी हुई और लेट माँ बनी, जब माँ बन गई तो रियलाइज हुआ कि शायद यही ज़िंदगी में करने के लिए आई थी, बिकॉज इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। इतनी खूबसूरत, आई मीन इससे सेल्फलेस प्यार जो है वो आप किसी से कर नहीं सकते हो। तो ऑब्वियसली इस एक्सपीरियंस के बाद इट्स ब्रॉट मी क्लोजर टू माई मदर। कभी फीलिंग हुई है कि बेटा होना चाहिए? नहीं, हमारे ख़ानदान में उल्टा हिसाब है, इसलिए कि माशाल्लाह मेरी अम्मी भी सात बहनें थी एंड हम भी तीन बहनें और एक भाई हैं, तो मुझे शौक ही था कि मेरी बेटी हो। और जब पूछा गया कि दूसरी क्या चाहिए तो फिर बहनें बड़ी ज़रूरी हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बहन ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा वनीजा, आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरी लेट शादी हुई, ये इसको ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करें, लेट क्या है और अर्ली क्या है, और आपके ख्याल में अप्रोप्रिएट शादी की उम्र क्या है? अप्रोप्रिएट तो मैं नहीं बता सकती, इसलिए कि अल्लाह मियाँ ने जोड़े ऊपर बनाकर डिसाइड किया हुआ है, यही मैं अपनी अम्मा को कहती थी। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि जैसे ही आप कॉलेज से निकले आपकी शादी हो जानी चाहिए, तो मैंने कॉलेज से बहुत देर बाद शादी की। सारे मेरे कज़न्स की शादी हो चुकी थी, ना मेरी शादी बहुत लेट हुई, आई वॉज 37 व्हेन आई गॉट मैरिड। पाकिस्तान के लिए बहुत लेट है। नहीं, पाकिस्तान के लिए तो लेट नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो नाउमीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो क्लास फेलोज हैं जो कॉलेज की थी वो अब माशाल्लाह नानियां बन रही हैं, यू नो, दादियां बन रही हैं, उनके बच्चे कॉलेज जा चुके हुए हैं और अभी मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो लेट है पाकिस्तान के लिए, और आई थिंक सारों को ये प्रॉब्लम थी कि इतनी लेट। बट मैं अम्मी को हमेशा ये कहती थी जब वो मिलेगा जिससे शादी करनी होगी तब हो जाएगी, और तब हो गई। और इसका मतलब है प्रॉपर मोहब्बत की शादी? मोहब्बत की शादी थी बिल्कुल। इस्लाम की चीज़ बिल्कुल मतलब होती है। क्या मोहब्बत की शादी थी बिल्कुल, मतलब लफ्ज कुछ कह रहे थे, चेहरा कुछ कह रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी, सुन रहे हैं बेटा बिल्कुल, है ना, तो फटाफट पॉलिटिकली करेक्ट। अच्छा जो बच्चों की पेरेंटिंग जो है आजकल के जमाने में आसान का किसी ज़माने में नहीं मुझे लगता कि आसान काम था, बिकॉज आजकल के ज़माने में सिर्फ ये हो गया है कि हम लोग भूल गए हैं, ये मेरे साथ हो गया है कि जब आप एक करियर के पीछे जाते हैं आपके गोल्स डिफरेंट हैं। आपकी जैसे मेरी कज़न से बचपन में पूछा गया था बड़ी होके क्या बनोगी, तो उसका जवाब था दुल्हन। मेरा ये नहीं था, कभी भी नहीं था कि द एंड ऑफ माई लाइफ वॉज इन मैरिज, जो कि यूजली होता है कि माँ बाप, आई थिंक इस कल्चर में ये होता है कि आपको कहा जाता है कि जी इजाज़त हर चीज़ की तभी मिलेगी जब आपकी शादी हो जाएगी, माँ बाप ये कहते हैं कि हाँ शादी हो जाएगी तो कर लेना। काम का भी यही होता है यूजली कि अगर मियाँ कहेगा या ससुराल वाले कहेंगे, तो मेरी ज़िंदगी में ये नहीं था। सो आई थिंक कल्चरली गेटिंग मैरिड लेट एंड हैविंग चिल्ड्रन
لیٹ ٹاٹ می بلکہ میری زندگی میں ٹاٹ می الاٹ مور تھنگس بیکاز میں ذرا سمجھدار تھی جب میری شادی ہوئی. یو نو اٹ وازنٹ کہ اس کا مطلب بیوی کا کردار ادا کرنا بھی آسان رہا اور ماں کا کردار کرنا بھی آسان رہا کیونکہ میچیورٹی آ چکی تھی. اور آئی تھنک ماں ہم بھول گئے ہیں اب کریئر کی وجہ سے کہ جی جو ماں کا رول ہے دا مدر از دا نرچرر. میاں جو ہے آپ کا جو آدمی ہے فرام آدم کے زمانے سے ہی از دا پرووائڈر ہی از دا ہنٹر. وہ باہر جاتا ہے اور گھر کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. ماں کا کام ہونا چاہیے, ماں کا سنگل وومن کا نہیں, ماں کا کام ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے. جو پرورش ہے وہ ہم بھول رہے ہیں آج کل, اس لیے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے. بیکاز جو آپ کا بچہ بڑے ہو کے بنے گا دی اونس از آن دا مدر, دا ریسپانسبلٹی از دیٹ آف اے مدر. جیسے اس دن میری بیٹی نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں پوچھی, چھوٹی سی 3 سال کی بیٹی نے, کہ میں پریشان ہوگی کہ اگر میں نہ ہوتی اور کوئی میڈ اس کے پاس ہوتی یا وہ گھر پہ کسی اور سے پوچھ لیتی تو اس کا جواب اس کو کیا ملنا تھا. مثلاً کیا پوچھا؟ امی میں کب مروں گی, 3 سال کی مجھ سے آ کے پوچھتی ہے. اینڈ آئی واز لائک سوچے ذرا. تو آئی واز لائک آپ ان شاء اللہ ابھی قریب میں تو نہیں کریں گی, بٹ کہتی ہے تو کب مرتے ہیں, 3 سال کی مجھ سے پوچھ رہی ہے. تو سارے مریں گے exactly. تو اس طرح کے اتنے سارے اور سوال ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں زیادہ ڈیفینیٹلی مشکل ہے بیکاز ہمارے زندگیوں میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ میری زندگی میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے, جو کہ مجھے پھر دین اٹ میڈ می ریئلائز کہ ہولڈ آن, دس از اے ٹائم ٹو گفٹ یور چائلڈ, کہ اپنے بچے کے لیے آپ اتنا ٹائم دیں تاکہ اس کے جتنے یہ سوال ہیں اس کا میں جواب دے سکوں اور صحیح جواب دے سکوں. بیکاز واٹ دے بیکم ٹمورو وہ میری رسپانسبلٹی ہے, وہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس لیے تو آج کل ہمارے ملک کا یہ حال ہے. آئی سی پیپل اینڈ آئی سی کہ ان کی کوئی پرورش کسی نے نہیں کی ہوگی, جو جھوٹ ہے جو سب کچھ نظر آ رہا ہے, اٹس بیکاز مجھے لگتا ہے کسی نے ان کا خیال ہی نہیں رکھا. ایک فیشن دیوا اور مطلب آپ کا چلنا, آپ کا انداز گفتگو, آپ کی مسکراہٹ, ہائٹ, ریمپ پہ بھی, آف دا ریمپ بھی, اور آپ کی پرسنالٹی نے بہت سے دل جیتے پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, انٹرنیشنلی آپ نے ریمپ. اس سارے کے بعد ایک چیز خاص طور پہ میں نے دیکھا خواتین کے اندر جو ایک فیئر آ جاتا ہے وہ آتا ہے فیئر آف ایجنگ کا. لیکن کیونکہ میں پرسنلی آپ کو جانتا ہوں وہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ کیسے انٹیون کیا آپ نے؟ آپ یہ صرف آئی تھنک ہمارے پروفیشن میں نہیں ہے, یہ جو اوبسیشن ہے یوتھ کی, اٹس این اوبسیشن ود یوتھ. آئی تھنک جوانی کی اوبسیشن جو ہے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے, اور مردوں اور عورتوں میں دونوں میں ہو رہا ہے, اور ہر پروفیشن میں ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. بیکاز اگین یہ ہمارے اندر وہ ہوا, دیر از اے سرٹن کرائیٹیریا آف بیوٹی جس میں جھریاں نہیں ہیں, انفارچونیٹلی ایجنگ گریسفلی نہیں ہے. اب میں جھوٹ بولوں کہ میں 20 سال کی ہوں وہ بھی ریڈیکولس بات ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ایک آئی تھنک پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. تو میرے ساتھ یہ ہے, جھریوں سے ڈرتے ہیں لوگ, جھریوں سے بس بڑے ہونے سے ڈرتے ہیں لوگ, بڑے ہونے اور لوگ کسی بھی ایج کے دیکھ لیں تو اپنی جوانی میں پھنس جاتے ہیں, دے ڈونٹ گرو آؤٹ آف اٹ. وہ اپنے دماغ میں اتنے ہی عمر کے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شکل بھی ویسے ہی ہونی چاہیے, ناٹ ریئلائزنگ کہ عمر کے ساتھ ایکسپیرئنس آتا ہے, ایکسپیرئنس کے ساتھ جھریاں بھی آئیں گی وچ آپ کو امبریس کرنی چاہیے, انسٹیڈ کہ آپ جا کے ٹیکے لگوا کے اپنی شکل ایک قسم کی بنا لیں جو ان نیچرل نارمل نہیں لگتا. کئی دفعہ بالکل ایک پلاسٹک فیس, کئی دفعہ نہیں ہر دفعہ پلاسٹک فیس لے کے بیٹھے ہوتے. یہ بتائیے کہ کیا اس میں قصور اگین فیشن اور گلیمر اور وینٹی انڈسٹری کا ہی نہیں ہے؟ ان کا کیوں قصور ہے؟ ہر چیز پروڈکٹس نے ایک بنا دیا ہے کہ بس آپ کو بس ونیزا احمد لگنا ہے, وہ پروڈکٹ کس کے لیے بنا نہیں ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے. لیکن وہ پروڈکٹ بنی ان لوگوں کے لیے رائے جو انسیکیور ہیں. یہ نہیں کہ میں نہیں اپنا خیال رکھتی, یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھنے کے اور بھی طریقے ہیں, ناٹ ٹو گو دا پلاسٹک وے. آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں, آپ اپنے بالوں کا خیال رکھیں, آپ کریمز لگائیں, آپ آئلز لگائیں, ضرور کریں, لیکن اتنا نہ ہو جائے کہ بس وہ آپ 20 سال کی عمر سے آپ آگے نہیں جانا چاہ رہے. جو کہ جیسے میں نے کہا نیچرل ہے, جھریاں نیچرل ہیں, بال گرنا نیچرل ہے. تو یہ جو بوٹاکس شوٹاکس یو آر
आई एम अगेंस्ट इट. नेचुरल कोई भी चीज़ कर लें, आर्टिफिशियल चीज़ जब आप अपने मुंह पे डालेंगे तो उसका असर तो कहीं ना कहीं से होगा. तो हमारे तो बहुत से मॉर्निंग शोज में लाइव ऑन एयर बैठ के जनाब टीके लगाए जा रहे होते हैं, और वो 10 साल के बाद पता चलेगा कि उनके साथ क्या हाल होगा. आप देख लें माइकल जैक्सन के साथ, देख लें क्या हुआ था. इट्स एन ऑब्सेशन, एक एडिक्शन है ये. एक दफ़ा टीका लगाया, 6 महीने बाद जाके फिर से लगाना पड़ेगा, फिर उसके 6 महीने बाद फिर से लगाना पड़ेगा, फिर आधा लगाते थे फिर पूरा लगाएंगे, फिर 2 लगाना शुरू कर देंगे और फिर वैसे ही लगेंगे. विनीजा, रैंप के ऊपर दुनिया देख रही होती है और इतना माइन्यूटली देख रही होती है ना कि बिल्कुल आप ऑल आइज ऑन यू. सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था आपका रैंप का? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया, कोई हील शील नहीं, तिलक गई कोई, नहीं कभी कुछ नहीं. लेकिन ये डर होता था इसलिए कि मैं चश्मे पहनती हूँ और रैंप पे ऑब्वियसली उतार देती थी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था तो उससे ज़्यादा खौफ और डर था. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज बल्कि रिटायर होने तक तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे कहीं ना हो जाए. रिटायर क्यों, मतलब ये लफ्ज़ रिटायरमेंट का? कि एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अभी मैंने काम और नहीं करना. कोई रिटायरमेंट की एज होती है? नहीं होती, पाकिस्तान में तो नहीं होती, पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती. दुनिया में क्या है? दुनिया में यूजुअली ये होता है कि आप शुरू अगेन ऑब्सेशन विद बीइंग यंग. तो मैंने तो कॉलेज के बाद मॉडलिंग शुरू की थी, बाकी दुनिया में 16-17 साल में शुरू हो जाती है और 25 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं. लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं. अच्छा. ऑब्वियसली बिकॉज प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो एक बड़ी उम्र की औरत के लिए भी बन रहे हैं ऑब्वियसली. सो आपका करियर है, उस दिन मैं पढ़ रही थी कोई 70 साल की भी एक मॉडल है जो कि जी बिल्कुल आदमी भी है एक औरत भी है और काफी हैं, एक नहीं है बहुत हैं. और तो आपको ये एज नहीं है? आपने कहा मैंने एक दिन डिसाइड किया. मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैं शो आ रहा था मेरा टीवी पे और मैं देख रही थी और मैं इतनी बोर्ड लग रही थी दैट आई थॉट कि अच्छा बस बहुत हो गया, 20 साल कर लिया, अब इसको मैं अब इतना इम्तिहान नहीं लेते लोगों के. लेकिन इस डिसीजन और चैलेंजिंग नहीं था ना कि बस बहुत हो गया कितनी और. मॉडलिंग इज नॉट वेरी चैलेंजिंग, एक्टिंग इज चैलेंजिंग. तो अगर आप एक ही काम रोज करे जाओगे तो आप बोर तो हो गए. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विनीजा अहमद हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे कि उस बोर्डम को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर को एक दिन अचानक खैर बात कहा, लेकिन उसके बाद अभी ऐसा क्या कर रही हैं कि एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हो रही है. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. जी जनाब, एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे. विनीजा अहमद हमारे साथ मौजूद है, कैंडिडेट होता एंड फ्रॉम द हार्ट कॉन्वर्सेशन चल रही है. अच्छा जी, अब आजकल इवेंट्स की प्रोडक्शन डायरेक्शन हो रही है, अवार्ड शोज, अवार्ड्स लाइक लक्स स्टाइल अवार्ड्स एंड अदर बिग इवेंट्स. बड़ा औखा काम है ये, करने के बाद पता चला लगता था कि इतना मुश्किल नहीं होगा. मेरी अच्छी मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि जब मैं बोर हुई और मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती तो मुझे एक चैनल से ऑफ़र आई टू स्टार्ट अ चैनल, टू हेल्प विद स्टार्टिंग अ चैनल, जो कि किया मैंने 4-5 साल. तो उसमें मैंने प्रोडक्शन सीख ली, लेकिन रोज़ जाकर जी जी 360 की बात कर रही हूँ. तो जब वो चलाया और प्रोग्राम्स भी डायरेक्ट किए और प्रोड्यूस किए, तो उस दौरान जब उसका लॉन्च हुआ स्टाइल 360 का, सो वी डिड अ लॉन्च इवेंट जो कि बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद हमने उधर एक फैशन वीक शुरू किया, ब्राइडल कुट्यूर वीक शुरू किया, उसकी भी प्रोडक्शन की. तो बाय डिफ़ॉल्ट आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग और फिर ऑफर आई कि जी डायरेक्ट करें आके लक्स स्टाइल अवार्ड जो पिछले साल हुआ था. आई डिड दैट और बड़ा मज़ा हुआ और मैंने विनीजा को उस मोड में देखा वो मोड और मैंने कहा रियली ये मतलब वो क्या जनाब, एक वायरलेस पकड़ा हुआ है, इधर से एक हेडगियर लगा हुआ है, मोबाइल अलग से और कोई एक गैजेट इधर है. बिकॉज़ आपसे कह रहे ना मुश्किल काम है, इतने सारे लोगों को हैंडल करना. तकरीबन 100 लोगों को एक वक्त में आप हैंडल कर रहे हैं. वो तो सिर्फ होता है जो सेट और वो सब कुछ कर रहे होते हैं, देन एक जो शो, एक बिहाइंड द सीन शो हो रहा होता है, फिर एक स्टेज के ऊपर शो हो रहा होता है ना, वो सारा मैनेज करना. बट माशाल्लाह वी हैड अ ग्रेट टीम,
बहुत अच्छे लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे वैसे विनीजा जो बिहाइंड द बैकस्टेज जो शो रहा होता है ना मेरा दिल करता है कभी कैमरा उधर लगा के वो वही चाहिए वो एक्चुअल शो रहा होता है इनको तो कुछ नजर कम आ रहा होता है जो हम बैकस्टेज हैंडल कर रहे होते हैं टेंट्रम्स कैसे हैंडल करते हैं मैंने तो आपको हैंडल करते देखे हैं लेकिन मैं चाहूंगा आप खुद बताएं जो स्टार्स सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई जरा पता लगे मैं आया हुआ था पता मैं शॉक में चली गई हूँ इसलिए कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था अब ज्यादा होने लग गया अच्छा, okay. मीनिंग कि अगर आप 15 साल पहले भी देख लें जब ये सारा कुछ शुरू हुआ था आई थिंक जो पहले 2-3 लक्स स्टाइल अवार्ड्स थे जिसमें मैं थी बैक स्टेज एंड आई वॉज वन ऑफ द स्टार्स मैंने नहीं देखा कि किसी ने इतना नखरा किया वो जो था ना आजकल ज्यादा हो रहा है पहले नहीं होता था पहले ये थोड़ी होता था कि मरीना खान अगर आ रही हैं उनके साथ 10 गार्ड्स तो नहीं आते थे हमें ज़रूरत नहीं होती थी इसलिए कि यू वर मोर वेलकमिंग टू आई थिंक अपने फैंस या शायद फैंस उस तरह के नहीं होते थे अब सोशल मीडिया की वजह से आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी हुई है जो मुझे लगता है तो इसलिए बैक स्टेज क्या कर रहे हैं लोग इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है पहले बैक स्टेज बैठ के हम गप्पे भी लगाते थे कोई हमारी तस्वीर नहीं खींच रहा होता था तब मोबाइल फोन्स के अंदर तस्वीरें नहीं होती थी सो इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली बट अब आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सोशल मीडिया पर आ जाता है तो आई थिंक इंसान को स्टार बनने के लिए ये टेंट्रम्स की ज़रूरत पड़ गई है गार्ड्स के साथ आते हैं जी 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 और अब गार्ड्स गिने जाते हैं कि तुम्हारे कितने हैं और मेरे कितने हैं अगर कोई 4 गार्ड्स के साथ आ रहा है तो अगली दफ़ा जो दूसरा काउंटर स्टार है वो 6 गार्ड्स के साथ आएगा अगर किसी को पहले गाड़ी चाहिए होती थी इस काम के लिए तो हम टोयोटा भेज देते अब 4 व्हीलर चाहिए जी 4 व्हीलर चाहिए बिल्कुल अब ऐसा होने लग गया ऐसे आर्टिस्ट को कैसे हैंडल करती है शुक्र है मैं नहीं हैंडल करती हम एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं जिनको तुम जानो ये सारा करना बिल्कुल जैसे कि ये एक सेपरेट काम है ये मतलब कि कमरे में नट्स हों और ये ब्रांड ऑफ चाय हो या बहुत नखरा या ब्रांड ऑफ कुछ और भी कुछ हो कुछ और भी हो ऐसी डिमांड्स भी होती हैं अजीब अजीब सी डिमांड्स होती हैं जो कि इसलिए टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करने की अब जरूरत पड़ गई है पहले नहीं होता था ऐसा तो नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और स्टार इतना बड़ा हो गया है या आई थिंक ये स्टार देखिए स्टार छोटा और बड़ा नहीं होता स्टार स्टार होता है ओके ठीक है जो एक जिसके स्टार है कौन जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं आपका अच्छा काम चल रहा है हमारे साथ ये हो गया कि अब के ज़माने में ना वो एक इंस्टाग्राम जैसे होता है वो इंस्टा सेलिब्रिटी बन गया इंस्टा स्टार बन गया पहले मुझे याद है कि हम हफ्ते में एक दफ़ा वो प्ले देखने तन्हाइयाँ देखने के लिए वो 8 बजे लगता था और हम सारे बैठ के वो देखते थे अब आप एक छोटी सी भी चीज़ के लिए अब तो आपके इंस्टाग्राम स्टार्स बन गए ना तो वो स्टारडम जो है वो बहुत आसान हो गया अब अच्छा अब आसान है बहुत ज़्यादा आसान है आप देखें ना आप 4 बेवकूफ़ बातें कर लें और 4 अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दें और आप स्टार बन सकते हैं अब स्टार की डेफिनेशन क्या है इसलिए आई थिंक वो उस रट में वो अपना काम भूल जाते हैं और ये बनने के लिए स्टार बनने के लिए ज़्यादा और फिर वो कुछ भी कर रहे होते हैं और कुछ भी कह रहे होते हैं विनीजा अभी कुछ देर पहले आप बात कर रही थी स्टाइल 360 की इस तरह का चैनल चैनल्स क्यों नहीं चल सके क्यों नहीं चल पाते क्या हमारा माशरा अभी फैशन कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है मसला क्या है नहीं है तैयार बिल्कुल ऐसे कि आपके मॉर्निंग शो के अलावा अगर आजकल आप कोई भी पिछले 6 महीने से मॉर्निंग शो देख रहे हैं तो सिवाय मेकअप के और सिवाय कपड़ों के और शादियों के आपको कुछ नहीं नज़र आएगा तो इट्स नॉट कि नहीं आ सकता लेकिन प्रोग्रामिंग हमारा टेलीविज़न जो है वो बहुत नया है अगर आप इंडस्ट्री देखें तो प्राइवेट चैनल्स को 13 साल से ही है ना 10 साल 13 साल से 15 साल मैक्सिमम ये बहुत नई इंडस्ट्री है अभी इसको ग्रो कर रही है न्यूज़ चैनल्स अभी कोई 7-8 साल पहले शुरू हुए हैं आप सोचें तो दिस इज़ वेरी न्यू कि अगर आप लाइफस्टाइल चैनल्स की बात करें फैशन पूरी दुनिया में चल रहा है FTV पाकिस्तान भी आया और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हमारी फैशन की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में देखे जाए तो बहुत भी नहीं उस तरह से चल लेकिन उस तरह नहीं चल सका इसलिए कि
फैशन इंडस्ट्री इज़ वेरी न्यू. आप देखें ना, हमारे फैशन स्कूल्स ही कोई 15 साल पुराने हैं. तो इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी है, अभी इसने ग्रो करना है. जिस तरह अब आजकल के ज़माने में, आजकल में 2018 में अगर देखा जाए, न्यूज़ चैनल्स बढ़े हैं, वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. तो इंशाल्लाह फैशन भी करेगा, इट विल, इट हैज़ टू कम बैक. बिल्कुल, अगर आप पूरी दुनिया में देखें, आपके लाइफस्टाइल चैनल्स बहुत बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ BBC बट और इतने सारे ट्रैवल चैनल आ गए, इतने सारे आ गए. खाने पीने के चैनल बहुत चलते हैं. बिल्कुल, इसके पाकिस्तान के कल्चर में यही है ना जी, खाना इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर. आर यू अ फूडी? नॉट रियली. आई हैव बिकम, अब मैं सोच समझ के ज्यादा खाती हूँ, तो इसलिए स्मार्ट ईटिंग जिसे कहते हैं. और वो भी मेरे बच्चों की वजह से हो. मैं इतना ज़्यादा नहीं पकाती, इसलिए कि मैं इतनी अच्छी कोई कुक नहीं हूँ, लेकिन मेरे, हमेशा से मैंने कहा मेरे मियाँ बहुत अच्छा पकाते हैं, इसलिए मुझे इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि वो बहुत अच्छा खाना पका लेते हैं. तो जो ज़िंदगी के 37 साल शादी नहीं की थी, तो एक ऐसे मियाँ की तलाश थी जो खाना भी, जो खाना भी अच्छा. वो नहीं, मेरी किस्मत अच्छी, मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया होगा जो मेरा मियाँ बहुत अच्छा खाना पकाता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना पकाने की. अच्छा, ये बताइए जी कि किस चीज़ का आपको, व्हाट आर यू फियरफुल ऑफ, कि ये ना कहीं हो जाए, मतलब आई एम फियरफुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मेरा मियाँ मुझे कहता है कि नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक आई हैव बिकम क्लोजर टू गॉड, कि मैं इतनी सारी चीज़ें से डरती नहीं हूँ, इसलिए कि जो होना है वो तो होना ही है. तो जो आप नहीं डरती? बहुत कम डरती. मियाँ क्या कहता है, किससे डरो? उसके अलावा किसी से नहीं. नहीं, नहीं, क्या कर रही हूँ. नहीं, वो नहीं कहता किसी से डरो, बल्कि वो कहता है ना डरो. मैं बहुत ज़्यादा डरती थी पहले. वो कहता है ना डरो. नहीं नहीं नहीं, ना डरो, इसके जो होना है वो तो होना है. तो इसलिए जस्ट एम्ब्रेस. वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाने मन, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना. बाकी किसी से फिल्मी मियाँ है बस, यही बात. फिल्मी मियाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, मुझ, मेरी अभी अब अप्रोच उसने बना दिया कि इसमें इतनी डरने की बात नहीं. यू शुड हैव फेथ इन गॉड, खुदा के ऊपर बस अपना वो रखना चाहिए. और रिलीजियस है? नॉट रियली, बट जैसे मैंने पहले कहा, माय चिल्ड्रन हैव ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड. जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये तो एक मिरेकल हो रहा है मेरे साथ. और जो चीज़ें मुझे पहले ज़िंदगी और खुदा के बारे में नहीं पता था, इट ब्रॉट मी क्लोज टू दैट. सो इन अ वे यस, बट नॉट रियली. इंटरेस्टिंग. मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मौजूद है. एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक से वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला जारी है. रही हमारे साथ ब्रेकफास्ट एट होम. जी जनाब, वेलकम बैक. मशहूरियां ब्रेक के बाद. मशहूरियां ब्रेक के बाद, ये लाइक है. मशहूरियां ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे. वनीजा अहमद हमारे साथ मौजूद है. अच्छा वनीजा, पैदा आप मरी में हुई थी, फिर आप हैं कहाँ की? मुझे आज तक समझ नहीं आ सका. आर यू फ्रॉम लाहौर? आर यू फ्रॉम कराची? फ्रॉम पाकिस्तान. आर यू फ्रॉम इस्लाम? इसलिए कि अब्बा मेरे जो थे वो गवर्नमेंट में थे, तो इसलिए हम इस्लामाबाद में रहते थे. मेरे दादा जो थे वो बांग्लादेश के थे. मेरे जो फादर थे वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी टिल एबटाबाद में गुजारी, बर्न हॉल में. तो उस वालिदा की साइड से कहाँ? वो आदि बलोची हैं और आदि पंजाबी हैं. Okay. तो मेरे अंदर बलोची, जी जी, बलोची. और मेरी जो दादी हैं वो कश्मीरी हैं और मेरे दादा बंगाली थे. पैदा मैं मरी में हुई हूँ, तो मैं अपने आप को पंजाबी कंसिडर करती हूँ, इससे कि मरी पंजाब में आता है. और सबसे ज़्यादा मैं 22 साल रही हूँ कराची में, तो मेरे अंदर थोड़ा सा सिंधी भी आ चुका हुआ है. और अभी मैंने अपने रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं, मैंने ज़मीन ली है NWFP में. मैंने कहा एक सूबा रह गया था, तो वो भी मैं पूरा कर, जिसके साथ कोई लिंक नहीं था. जिसका लिंक नहीं था, तो मैंने कहा चलो बुढ़ापा जो है वो केपी में गुजारूं. केपी में गुजारूंगी, बिल्कुल. अच्छा, पहाड़ों और में. लाहौर से भी आपका तालु, आपने पढ़ा? मैं कनेट गई थी, जब मैं वापस आई थी बाहर से, तो मैं फिर कनेट गई थी. कनेट ने कितना लाहौरी बनाया?
बहुत ज़्यादा आई थिंक बिकॉज वंस यू गो टू कनेक्ट देन दैट्स इट यू आर कंसिडर्ड अ लाहौरी. अच्छा जी, इन तीन शहरों के बारे में कोई एक चीज़ बताएं जो कि आप समझती हैं कि the real selling factor of Karachi, what is the real selling factor of Lahore, what is the real selling factor of Islamabad? लाहौर के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती इसलिए कि कॉलेज के लिए इट वाज ग्रेट, बट कराची के लिए अगर आपने काम करना है और कुछ बनना है कराची किसी भी इंडस्ट्री में, आई थिंक वहाँ का जो कल्चर है, काम करने का कल्चर है, वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ऑनेस्ट है, जो कि मुझे ना लाहौर में नज़र आया और ना मुझे वो इस्लामाबाद में नज़र आता है. इस्लामाबाद में वापस इसलिए आई इसलिए कि बच्चों के लिए इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट टू ग्रो अप, बिकॉज आई ग्रो अप हियर कि आप गली में साइकिलिंग कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, ये आपको कराची और लाहौर में नहीं मिलता. जो सफाई, जो खूबसूरती, इट्स वन ऑफ द प्रीटीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड इस्लामाबाद इज़, और आपको रह कर ख्याल आता है. इसलिए कि जब कराची वाले पूछते तो मैं कहती हूँ मैं सुबह अलार्म के साथ नहीं उठती, मैं चिड़ियों के चहचहाने से उठती हूँ, जो आपको इस कराची में कभी भी नहीं मिलेगा या लाहौर में भी नहीं मिलेगा. अब तो इतनी पोल्यूशन है कि मेरे ख्याल वो बेचारी चिड़िया ही कराची में तो एम्बुलेंस की आवाज़ से ही आप सोते उठते रहते हैं. बिल्कुल, तो कराची का ये है कि काम करने के लिए एंड द पीपल ऑफ कराची, आई मीन द ब्यूटिफुल, इनके इतने कल्चर्स उधर हैं, पारसी भी हैं, हर किस्म का इंसान है, तो उधर की जो माइंड सेट है वो मुझे बहुत पसंद है. प्लूरलिस्टिक, वेरी डाइवर्स एंड प्लूरलिस्टिक, बहुत डाइवर्स है, तो आपको हर किस्म का इंसान, और जजमेंटल नहीं है. जैसे पंजाब में इंसान बहुत जजमेंटल है, इवन इस्लामाबाद में यू नो दे जज यू बाय द वे यू लुक या आप कहाँ के हैं और क्या. कराची में ऐसा नहीं है कि हर किस्म का इंसान कराची में आया हुआ है और सबकी एक्सेप्टेंस है. बिल्कुल है, हर आई मीन मेरी दोस्ती हर किस्म के तबके से है. कौन सा मुल्क जाता है अभी भी दिल के बस अंदर रह गया जिसको विजिट किया, कोई शहर, कोई मुल्क? एक नहीं है, बहुत है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, तो इसलिए मुझे हर खाना, मुझे थाईलैंड का बड़ा पसंद है, लोग मुझे स्पेन के बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत पूरा यूरोप है, आई मीन पूरी दुनिया अगर आप देखा जाए, अगर शहरों से बाहर जाएं तो खूबसूरती तो हर जगह में है. अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो मैं जाना चाह रही हूँ क्रोएशिया और इस आइसलैंड टाइप जगह पे जाना चाह रही हूँ, जो मैं नहीं गई, लेकिन आई थिंक जब कहीं जाके आप रहें तो पता चलता है कि उधर की हर एक जगह की अपनी ही बात होती है. इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा, आई मीन मैं हमेशा से कहती हूँ कि वो बहुत वेलकमिंग है. हमें लगता है कि नहीं है बिकॉज पॉलिटिक्स की वजह से, वरना आप वहाँ जाओ और उनको पता चले आप पाकिस्तानी हैं, दे गो आउट ऑफ दे वे टू बी नाइस टू यू. तो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई हैड अ लवली टाइम देयर, काम एंड काम के अलावा भी. उन यंग लड़कियों को टिप्स तो बड़ा अजीब सा क्लीशेड सा लफ्ज़ है, क्या टिप्स देंगी, लेकिन क्या टिप्स देंगी कि जो हुस्न के एक्सेप्टेंस के विजुअल मयारात के साथ फाइट कर रही है. पाकिस्तान की वो लड़की जो इस वक्त जेलम के पास किसी गांव में बैठी है या सखर के पास किसी गांव में बैठी इस वक्त बनीज़ अहमद को सुन रही है और उस वो स्ट्रगल कर रही है उन तमाम इश्तहारात को टीवी पे देख के जो उसको गोरा करना चाहते हैं, दराज कद करना चाहते हैं, उसके बाल भी लंबे करना चाहते हैं, उसकी मुस्कुराहट, उसके दांतों को सफ़ेद तरीन करना चाहते हैं, उन हुस्न के मयारात से वो अकेली वहाँ बैठी गांव में जंग कर रही है, उसको उस जंग में क्या मशवरा देंगे? कि देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान की अपनी जो शख्सियत है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए. बाहर से हाँ अपना ज़रूर ख्याल रखें, ये नहीं कि अपना ना ख्याल रखें, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो खूबसूरत होनी चाहिए, वो आपके शक्ल पे रिफ्लेक्ट करेगी. अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इसलिए बाहर से आप कैसे दिखते हैं वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इन द लॉन्गर रन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. आपके अंदर सलाहियत क्या है उसके ऊपर काम करें, इंस्टेड कि आप गोरा होने की कोशिश करें. कि अल्लाह मियां ने जो आपको बनाया है, आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो बाहर निकल के आनी चाहिए, बिकॉज़ हर इंसान अलग है और मुनफरिद है,
और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अल्लाह मियां ने क्वालिटी दी हुई है जो एक्सेल करती है, वो रिकग्नाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के मैं शक्ल से कैसे लग रही हूँ। लेकिन शक्ल तो देर इज़ नो कंट्रोल ओवर दैट ना, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितने अच्छे हो और कितना अच्छा काम कर रहे हो। दैट शुड शाइन थ्रू। दिखने में आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो नहीं, आपको वो बदलना भी नहीं चाहिए। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि टीके लगा लें या ये कर लें, नहीं, अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने दिल के अंदर इन्वेस्ट करें। दैट विल आई थिंक कम आउट मोर। शायद मैं समझाना नहीं मुझे आ रहा, नहीं, बहुत, लेकिन उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्रीमें आपको बेहतर नहीं कर सकती, लेकिन आपका दिल जो है वो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकता है। शायद एक बेहतर किताब कर सकती है, बिल्कुल। एक्चुअली अब तो किताब अगर पढ़ने का शौक नहीं है तो कंप्यूटर पे आई थिंक बैठे हैं और या अपने फ़ोन पे ही बैठकर आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आप किताब, लेकिन यूजुअली लोग कहते हैं जी हमारे पास एक्सेस नहीं है अब किताब, अब दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, अब लाइब्रेरी अब आपके एग्जैक्टली आप अपने फ़ोन के ज़रिए इंस्टेंट के आप ब्यूटी टिप्स देखें, आप और चीज़ें जो आपकी सलाहियत है, चाहे आप पेंट करती हैं या आप खाना अच्छा पकाती हैं या कोई भी क्रोशे करती हैं या कुछ भी करते हैं, उस पर टाइम इन्वेस्ट करें एंड यू विल सी दैट जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो आई थिंक आपको खूबसूरत ज़्यादा बनाता है। कॉलेज के फौरन बाद जब आपने मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप आई थी, क्लिक ना करती, हिट होने के बजाय पिट जाती, तो क्या बनती फिर? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मुझे लगता था और मुझे हमेशा ये लगता है और मैं अपनी बेटियों को भी ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने ना हमें इस दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा है। ऑब्वियसली वो चीज़ आपने ढूंढनी है, तो अगर मैं इसमें ना क्लिक करती, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के अपने आप को उसमें क्लिक करा लेती। बिकॉज जैसे मैं कह रही हूँ वो सलाहियत अगर आप अपने अंदर, आई डेंट वॉन्ट टू बी अ मॉडल, आई डेंट वॉन्ट टू बी ऑन टेलीविजन, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, ये मेरे शौक नहीं थे। मेरा शौक था कि मैं दुनिया में कुछ बनूंगी। तो जब आपका ये होता है कि जो मैं जो भी कर रही हूँ, चाहे वो अच्छी माँ ही क्यों ना बन रही हो, जस्ट पुट योर माइंड टू इट एंड गो आफ्टर इट। जैसे मैं अभी कह रही थी घर में खाना ही आप अच्छा पका लें, उससे भी आपको कुछ मिल सकता है, या क्रोशे कर लें, कुछ भी कर लें। सो मुझे लगता है मैं दुनिया में कुछ भी कर रही होती अगर मैं मॉडलिंग ना कर रही होती, अगर स्कूल की टीचर ही होती या आई डोंट नो कुछ भी कर रही होती, तो मैं अच्छा ही करती। इसलिए कि ये मेरे माँ बाप ने मेरे दिमाग में डाला हुआ था कि ट्राई योर बेस्ट एट वॉट एवर यू डू, जो भी आपने करना है आप उसमें। बाय द वे मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, पहले डॉक्टर बनना चाहती थी फिर आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, अब्दुल्ला भाई की तरह, अब्दुल्ला भाई की तरह। बड़ा मुझे शौक था बट किस्मत में ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी करती मुझे लगता है मैं अच्छा ही करती। फेम को एंजॉय किया? हाँ और नहीं भी। एंजॉय ऐसे किया कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो हमारे स्पेशली पाकिस्तानी फैंस हैं। जो चीज़ नहीं इंसान एंजॉय करता कि आपकी प्रिवेसी नहीं रहती, आपकी ज़िंदगी नहीं रहती, कि मैं तेल लगा के बाज़ार नहीं जा सकती बिकॉज पीपल जज यू। हैं ये कैसे मेरी अम्मी उस दिन मुझे कहती, इसलिए कहती हूँ घर से लिपस्टिक लगा के निकला करो, और मैंने जूड़ा बनाया हुआ था और तेल लगाया, तो वो चीज़ें ज़रा इंसान मिस करता है। यू कांट बी नॉर्मल, यू कांट बी योर सेल्फ बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी मोर। जो वो टेलीविजन पे देखते हैं कि सुबह 7 बजे मैं अपने बाल तैयार करके जो अभी निकली हूँ और थोड़ा बात मेकअप किया, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर वक्त उस तरह के लग रहे हो। तो वो थोड़ा सा होता है, अदरवाइज जो प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है वो आप, वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ डेफिनेटली। आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद विनीजा क्या कर रही होगी? होपफुली बड़े बड़े काम, अल्लाह जाने क्या कर रही होंगी, बट होपफुली बड़े बड़े काम। अभी बहुत कुछ करने को रह गया है। कोई एक चीज हमारे साथ शेयर कर ले जो करनी है अभी जिंदगी में और अभी तक नहीं की? अभी तक, लाइक आई सेड, उस दिन मेरा एक कॉलीग अरसलान, उनके साथ मैं बात कर रही थी और उनको भी ऐसा लग रहा था, मुझे भी ऐसा कि आई फील कि वी आर ऑल डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। अब वो ग्रेटनेस आप कहाँ ढूंढो, वो उस खोज में मैं हूँ अभी, कि कुछ तो मैंने दुनिया में कोई काम करना है। अच्छा, ऐसे नहीं चले जाना, बिकॉज इन द बिगर पिक्चर, इन द बिगर यूनिवर्स,
اتنی سی ہوں میں, انسگنیفیکنٹ. بٹ نہیں ہو سکتا, دنیا میں انسان انسگنیفیکنٹ نہیں ہے, نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں. کچھ تو ہم نے کرنا ہے, کسی کی زندگی تو بدلنی ہے, چاہے اپنی ہی کیوں نہ کریں. تو وہ بڑا سا کچھ ابھی بڑا وہ ابھی کچھ کرنا ہے. آئی ایم لکنگ فور اٹ, اس کھوج میں ہوں, ابھی تک ملا نہیں ہے, لیکن کروں گی ضرور ان شاء اللہ. آپ لوگ یاد رکھیں گے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ونیزا احمد اور میرے ساتھ بریکفاسٹ ایٹ ہوم کا یہ اسپیشل سیشن انجوائے کیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.